ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड एक चैनल पर। और सबसे पहली चीज़, आप पूछो ये कवर है, ये कवर नहीं है, स्किन है। एंड ये मैंने रैप कार्ट पे से परचेज़ करी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जा करके देख सकते हो, काफ़ी कूल कूल स्किन्स होती हैं। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के स्मार्टफोन्स के बैटरीज के बारे में, बिकॉज़ यहाँ पर बैटरी ड्रेन है काफ़ी बड़ा इशू है सभी के साथ में। एंड यहाँ पर आप बैटरी को किस तरीके से काफ़ी अच्छी तरीके से चार्ज कर सकते हैं एंड बैटरी को किस तरीके से आप सेव कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसके बाद में आपका 100% है कि आपके डिवाइस की जो बैटरी है काफ़ी फास्ट चार्ज होगी एंड आपके डिवाइस की जो बैटरी है काफ़ी स्लो ड्रेन होगा। मतलब नॉर्मली काफ़ी फास्ट ड्रेन होता है बैटरी अगर आप इस ट्रिक को यूज़ नहीं करते हैं, एंड इस ट्रिक को यूज़ करने के बाद में गारंटेड है कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आपको अपने डिवाइस के सेटिंग में जाना होगा, एंड सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा एंड अबाउट डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, आपको बिट नंबर को अपना 7 बार टैप करना होगा एंड यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ पहले। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो डेवलपर ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है एज यू कैन सी हेयर, एंड यहाँ पर इसे एक्टिवेट करने के बाद में हमें इसके अंदर जाना होगा। एंड सबसे पहली चीज़, आपको यही चीज़ चेकआउट करनी होगी, आपको नीचे जाना होगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। सो यहाँ पर ये वो ऑप्शन है जिसको आपको डिसेबल करना होगा अगर आपके डिवाइस में इनेबल है तो। ये एक काफ़ी बड़ा कारण हो सकता है कि आपके डिवाइस की जो बैटरी है काफ़ी फास्ट ड्रेन हो रही हो, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, अदरवाइज़ आपकी बैटरी जो है वो कंटिन्यूसली ड्रेन होती रहेगी। नो मैटर आपका डिवाइस आइडली पड़ा हुआ हो, यानी आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो, तो भी आपकी बैटरी ड्रेन करेगा। ये काफ़ी धासू फंक्शन है एंड काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है परफॉर्मेंस के मामले में। अब वो किस तरीके से काम करता है, आपको क्या करना होगा, अगर किस किस तरीके से, मतलब किस एप्लीकेशन पर काम करेगा वो, सो मैंने सारी चीज़ उस वीडियो में बताई है। मतलब अगर वो वीडियो आ गई होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं आई होगी तो फिर आपको आने वाली फ्यूचर में मिल जाएगा, मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखें। सो यहाँ पर नेक्स्ट जो ट्रिक है ना वो भी काफ़ी सिंपल है कि आपकी जितनी भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस हैं, मेक श्योर आप उनको उन्हीं एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में रखें जो कि आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, ये एप्लीकेशंस हैं। एंड हो सके तो आप इनको क्लोज़ कर दें, एंड इंटरनेट कनेक्शन भी आप अपना क्लोज़ कर दें, तो उससे भी क्या होगा कि आपकी जो बैटरी है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेव होगी, जस्ट बिकॉज आपके बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग नहीं चल रही होगी, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं एंड ये जो है ना ये आपके डिवाइस का जो डाटा है उसे भी यूज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बैटरी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है एंड बैटरी का जो ड्रेन का इशू है ना वो काफ़ी बड़ा लगने लगता है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रख के यूज़ करना। एंड थर्ड चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डार्क मोड में यूज़ कर सको तो फिर अपने डिवाइस को डार्क मोड में यूज़ करना ज़्यादा ज़्यादा, इससे आपका डिवाइस की जो बैटरी है वो सेव होगी जिसके अंदर एमोलेड है। यानी कि मैं कहूँगा कि 10% आपको अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मली, बिकॉज डार्क मोड में सब डार्क हो जाता है एंड एमोलेड में जो पिक्सल्स हैं वो जलते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा सेव होती है। फिलहाल के मैंने हटा दिया बिकॉज मैं कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे सही तरीके से दिखाना है आपको एक एक चीज़ के बारे में, इसीलिए मैंने इसको हटाया है। अदरवाइज़ मैं डार्क मोड इनेबल करके रखता हूँ, चाहे वो ये वाला हो चाहे वो IPS डिस्प्ले, हालांकि IPS पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एमोलेड पर 10% आपकी बैटरी सेव होती है। एंड यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है ना, ये आपका काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा एंड ये जो चीज़ है ये मैं पर्सनली काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और इससे जो है काफ़ी इफेक्ट पड़ता है आपको 100%, अगर अब तक मैंने जितनी भी बताया इनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो अब जो मैं आपको बताऊँगा इससे आपका 100% है कि आपका जो बैटरी लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाएगी, जो कि यहाँ पर हमें सिंपल से पावर सेविंग मोड को अप्लाई कर देना है। एंड मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ प्रेफर करता हूँ कि जो हमारा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है इसे आप मतलब टर्न ऑफ ना करें, बिकॉज टैप टू शॉप पे करके रखें, मैं नॉर्मली वो ही यूज़ करता हूँ एंड वो थोड़ा सा लग्जरी फील देता है जब भी हम उसे यूज़ करते हैं। एंड आपको सिंपल से इसको अप्लाई कर देना है एंड अपने डिवाइस को यूज़ करना है, इससे आपका डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है यानी कि जो CPU जो लिमिट है वो 70% हो जाएगी, जिसके बाद में आपका जो डिवाइस का CPU वो काफ़ी कम हीट प्रोड्यूस करेगा और काफ़ी कम एनर्जी लेगा, जिसके बाद में आपकी जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा सेव होएगी। एंड आपको जो है यहाँ इस ट्रिक के थ्रू, ये जो लास्ट वाली मैंने आपको टिप बताई है, इसके थ्रू आपको 20% ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो कि आप डेली यूज़ करते हैं। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखना। एंड रही बात चार्जिंग की, तो मैं सबसे पहली चीज़ प्रेफर करूँगा आप अपना स्टॉक चार्जर यूज़ करें, मैं भी चार्जर लेकर आता हूँ। सो यहाँ पर ये वो चार्जर है जो इसके साथ में मुझे मिला था सैमसंग के गैलेक्सी A51 के साथ में,
एंड ये 15 वाट का फास्ट चार्जर है, एडेप्टिव फास्ट चार्जर। एंड इसकी जो केबल है, मैं बता दूँ आपको यहाँ पर, इसकी जो केबल की क्वालिटी ना वो भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार वाली है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। एंड काफ़ी पतली है पहली बात तो, और दूसरी चीज़ ये काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। एंड एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आपके डिवाइस में स्लो चार्जिंग हो रही है तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जो इसका चार्जिंग पोर्ट है ना, फोकस, यहाँ जो चार्जिंग पोर्ट है ना, इसमें काफ़ी कई बार जो है डस्ट चली जाती है, जिसके बाद में जो है स्लो चार्जिंग इशू आता है। एंड उसे आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह मोबाइल रिपेयर का करता है तो वो काफ़ी आसानी से इसको क्लीन कर देगा, बट अगर आप खुद से करना चाहते हो तो फिर मैं प्रेफर करूँगा कि जो सुई होती है ना जिससे हम सिलाई करते हैं, उसमें हल्की सी रुई लगा करके इसे क्लीन कर लेना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कई बार हमारा जो चार्जिंग है वो सही तरीके से कनेक्ट भी नहीं होता, जस्ट बिकॉज हमारा जो चार्जिंग पोर्ट है वो गंदा होता है। क्योंकि कई बार मेरा जो J7 प्राइम था ना, उसमें चार्जिंग स्टॉप हो जाती थी जस्ट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा गंदा था, तो मैंने तो उसका चार्जिंग पोर्ट ही बदलवाया था, मुझे लगा था क्योंकि वो वारंटी में था। बट बाद में फिर मुझे सैमसंग के गलेक्सी S7 Edge के साथ में दिक्कत आई थी, तो मैंने चार्जिंग पोर्ट जब साफ़ करा तो भाई काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी, एंड उसके बाद में जो फास्ट चार्जिंग है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करने लगी थी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। और अगली चीज़, वैसे तो मैं प्रेफर करता नहीं हूँ मतलब ज़्यादातर, बट एक चीज़ के लिए मैं आपको कहूँगा कि ये जो एप्लीकेशन होती है ना, एक एप्लीकेशन है इसका मूड एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ये एको बैटरी है, ये बेसिकली आपका सारा रिकॉर्ड रखती है कि कितने टाइम में आपका कितनी जो बैटरी है वो यूज़ हुई है। मेरा रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, मैं काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे बैटरी बैकअप दे रहा है ये डिवाइस, मैं इससे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। बट इस एप्लीकेशन को देने का जो मेन रीज़न है वो इसका सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर सेंसर, यहाँ पर जो बैटरी का टेम्परेचर सेंसर है वो शो होता है, यहाँ पर हमारा बैटरी टेम्परेचर बताता है, साथ साथ हमारा बैटरी चार्जिंग स्पीड भी बता देता है। तो अगर आप चार्जिंग कनेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको चार्जिंग स्पीड और बैटरी का टेम्परेचर बता देगा। बैटरी के टेम्परेचर से कितना इफेक्ट पड़ता है मोबाइल की चार्जिंग पे, वो मैंने बताया था अपने सैमसंग के गलेक्सी A50 की वीडियो के अंदर, तो फिर ज़रूर से उसको चेकआउट करना, वो मैंने ऑलरेडी पोस्ट की हुई है। या मैं यहाँ पर आपको बटन दे दूँगा, आई बटन में उसको वीडियो डाल दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एक बारी मैंने 40 डिग्री के ऊपर था तो मैंने उसमें भी फास्ट चार्जिंग करी, एंड जो नॉर्मल थे मतलब 30 डिग्री के अंदर भी मैंने फास्ट चार्जिंग करके देखी वहाँ पे, तो रिजल्ट जो थे काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग आया था। तो ज़रूर से चेकआउट करना एक बारी आप। एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही बताना था कि इस एप्लीकेशन से आप जो है टेम्परेचर को देख सकते हैं, और आप टेम्परेचर में तो आप टेम्परेचर को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं वो भी मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था डिटेल में, और वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, तो उस वीडियो को ज़रूर से चेकआउट कर लेना। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट। मैंने उस वीडियो के अंदर बताया तो मेक श्योर आप उसको चेकआउट कर लें। फोकस फोकस फोकस, अरे यार।